जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में इन दिनों कांग्रेस सरकार द्वारा विभिन्न संस्थानों को बंद किए जाने के विरोध में अपने हर मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसे जनता की आवाज़ नाम दिया गया है। इसी कड़ी में भाजपा मंडल रामपुर द्वारा भी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों एवं कार्यालयों को डीनोटिफाई करने के विरोध में हस्ताक्षर अभियान 20 फरवरी से शुरू किया था, जिसका आज समापन कर दिया गया। इस दौरान रामपुर चौधरी अड्डा में भी सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और यहां पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रत्याशी कौल नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रामपुर शहर में 9 संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में खोले गए थे, जिसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया था, लेकिन विकास विरोधी कांग्रेस सरकार द्वारा इन्हें बंद किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, बंद करने के निर्णय के विरोध में आज सुक्खू सरकार के खिलाफ रामपुर में आयोजित भाजपा मंडल ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया और इस अभियान में स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित होकर वर्तमान सरकार का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा, सुक्खू सरकार ने प्रतिशोध की भावना से इसको बंद कर लोगों से धोखा देने का जनविरोधी कार्य किया है, जिसको लेकर वे जनसहयोग के माध्यम से भविष्य में भी अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि आज रामपुर शहर में इसका समापन हो चुका है और अब यह हस्ताक्षर शिमला में महामहिम राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। सत्ता परिवर्तन होते हुए एक वर्ष के जो पिछली सरकार ने जनता की मांग के आधार पर जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर जो संस्थान खोले गए थे, उसे बिना कुछ रिव्यू करते, पुनर्विचार ना करते हुए तुरंत उस पर तारे झड़ने का काम किया है और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ संस्थान बंद हुए हैं वहाँ वहाँ अहम जनता के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाई जा रही है और इस हस्ताक्षर अभियान को हम राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल के माध्यम से हम सरकार में दबाव बनाने का काम करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो संस्थान पूर्व सरकार ने खोले गए थे वो पुनः सुचारू रूप से आने वाले समय में चले। इस तरह का दबाव बनाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को लेकर करने जा रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, ये सभी संस्थान जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर खोले गए थे। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 9 संस्थान को बंद किए गए हैं, जिसमें 2 उप तहसील है, दोनों उप तहसीलें वर्किंग थी। वहाँ पर कर्मचारी, नायब तहसीलदार, कानून को सभी प्रकार के कर्मचारी वहाँ पर बैठे गए थे। ननखड़ी में पीडब्ल्यूडी डिवीजन फंक्शनल था, खुलीघाट में सब डिवीजन था, नीरथ में बिजली विभाग का सब डिवीजन था। मुझे लगता है कि ये संस्थान सभी यहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए खोले गए थे, लेकिन दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश सरकार का कि ऐसे संस्थानों को होना तो ये चाहिए था कि ये संस्थान और अच्छे से चले, उसके लिए सुविधाएं वर्तमान की सरकार खड़ी करे, लेकिन देखने में जो आ रहा है, जो हाल की सरकार ने निर्णय लिया, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार अगर इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम सड़क से लेकर विधानसभा तक इस संस्थान को पुनः खुलाने के लिए लगातार दबाव बनाएंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। चल रहा है हस्ताक्षर अभियान का, उसका आज अंतिम दिन रामपुर में है और इससे पहले खोलीघाट, ज्यूरी और अन्य स्थानों पर भी एक ऐसे से हस्ताक्षर अभियान हुए हैं, उसका आज जो है हम अंतिम जो चरण है वो रामपुर में हम कर रहे हैं पूरा। और जिस प्रकार से ये सरकार जो है बदला बदले की भावना से काम कर रही है, ये गलत है और हमारी सरकार ने आज तक ऐसा भी कोई कार्य नहीं किया जिसमें ऐसी भावना पैदा हो। और इसका उद्देश्य क्या है हस्ताक्षर अभियान कि हमारे जो कार्यालय खुले वो फिर से खुलने चाहिए, ठीक है ना? और हम महिलाओं को क्या बोला था सुक्खू जी ने, हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है सुखिंदर जी बने, उन्होंने बोला था, बोला हर घर दी रही, बोला हर से मिले 1500 रुपए मिले तो मिले नहीं मिले ना से मिलने से यहाँ मिले वे हमको वो 1500 रुपए भी चाहिए। उसके बाद क्या बोला कि रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, आप लोगों को बोला बोला रोजगार मिलना चाहिए। अभी जो है कैबिनेट मीटिंग में किया कुछ महीने लाभ के लिए, कुछ नहीं बोला, 3 महीने हो गए कोई फैसले नहीं हुए ना, तो आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना सबको। ये इन्होंने क्या बोले कि 300। रामपुर शहर से योगराज भारद्वाज की रिपोर्ट।